जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों अभी आपके मोबाइल पे एक फोटो वायरल किया जा रहा है, एक नोटिफिकेशन वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने ये सूचना दी है कि अगस्त में आपके यूपी टेट के एग्जाम्स कराएंगे। लेकिन यकीन माने ये खबर बिल्कुल फर्जी है, खराब है, बकवास है, ये सूचना गलत है। और इसकी वेरिफिकेशंस किसी और ने नहीं, खुद बेसिक शिक्षा विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने अपने ट्विटर हैंडल से करा है कि ये जो आपके पास नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या इधर उधर, इसको सत्यापित करने के बजाय बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको गलत करार दिया है और बताया कि यह गलती से वायरल किया जा रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है और ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबरें आई होंगी कि यूपी टेट अगस्त में कराया जाएगा, तो यकीन मानिए आधिकारिक तौर पे ये बिल्कुल एक फर्जी खबर है। और मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, मैं आइए आपको प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने इस सूचना को गलत बताया है। तो आइए हम ट्विटर पे आ जाते हैं, आधिकारिक ट्विटर पे अगर आप सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे आपसे क्या कहा जा रहा है। इस खबर को साफ तौर पे पढ़िए, आइए मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। तो साफ तौर पे यहाँ पे कहा गया है कि यूपी टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की गलत खबर इंडिया पोस्ट इंग्लिश नामक पोर्टल द्वारा जारी की गई है। यह सूचना सरासर गलत है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश। आप इसके नीचे देख सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट भी किया है कि आपने भी तो गलत खबर को पोस्ट कर दिया बिना उसकी सच्चाई जाने, ये बहुत ही अच्छी बात कही। आप और भी देख सकते हैं कि लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं कि सबसे घटिया विभाग, देखिए ये किए गए, इन्होंने कहा कि सबसे घटिया विभाग बेसिक शिक्षा विभाग और सबसे घटिया ट्विटर हैंडल। जी हाँ, बिल्कुल बात तो सही है, क्योंकि आपने ही इसको ट्विटर हैंडल पे अपने शेयर किया था, क्योंकि जब आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर करता है तो लोग उसको सच मान लेते हैं। लेकिन खुद से ट्वीट करने के बाद यहाँ पे जैसा कि दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के आधिकारिक वेबसाइट से ही ट्वीट किया गया था। अब नीचे भूपेंद्र कुमार जी लिखते हैं कि आपने तो ट्वीट डिलीट करके आरोप दूसरों पे लगा दिया, उधर चंद्रा वाले भैया जी ने भारी छूट पर नया बैच लॉन्च कर दिया और कुछ बच्चों ने तो भारी छूट के चक्कर में बैच खरीद भी लिया, उन बेचारों का क्या होगा। तो इसीलिए आप ये देखिए, इंस्टीट्यूट की भी गलती नहीं मानेंगे भाई, उनको भी तो अपना धंधा चलाना है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। तो लॉन्च, अब मुझे नहीं पता कि ये खबर सच्ची है या गलत, लेकिन बात तो सही है कि लोग सीरियस मान लिए थे, क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट से ये ट्वीट किया गया था। आइए ज़रा और देखते हैं कि इनके पीछे एक में नोटिफिकेशन यूपी टेट के जारी नहीं हुआ है, उस ट्वीट में कब जारी होगा ये मेंशन था, उस स्टूडेंट के साथ बढ़िया मजाक कर रहे हो आप लोग। ओके, बात तो सही है, मतलब तुम लोग सॉरी मतलब ये जो है विकी पटेल जी, ये ट्विटर को कह रहे हैं कि मतलब तुम लोगों को कोई जानकारी नहीं रहती, मीडिया ने जो छाप दिया वो कॉपी पेस्ट करते हो, एक बार और भी ऐसे ही तुम पे पोस्ट डिलीट कर दिया। मतलब बच्चों का ये कहना है कि आधिकारिक वेबसाइट से ही ये चीज़ें सर्कुलेट की गई थी, सॉरी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही, फिर उसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। आपने क्यों शेयर किया, हम सब आप पर भरोसा करते हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो यह उम्मीद नहीं थी। महोदय यह भी बताइए कि हम सभी भर्ती की उम्मीद करें या बिल्कुल नहीं करें। ये बहुत अच्छी बात कही शुभम गुप्ता जी, आगे डेलेट लिखते हैं। तो शुभम गुप्ता जी भाई सही बात है कि आपने ही तो शेयर किया था और हम आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप ही अगर ऐसा करेंगे तो हम किस पे उम्मीद करेंगे। तो ये बहुत अच्छी, फिर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं कि सारी सरकार ही नशे में चल रही है। देखिए ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा चाहे चाहे बच्चों का कि सारी सरकार ही नशे में चल रही है। अगर आपके भी दफ्तर में धुआं उठा तो इसकी क्या गलती, छल्ला बनाओ वैसे भी कोई काम नहीं, इस प्रकार से भी कमेंट बच्चों क्या है। अब शुभम गुप्ता जी के एक और ट्वीट देख लेते हैं, यूपी टेट नोटिफिकेशन को ट्वीट करके फिर डिलीट कर देना, क्या करना चाहते हैं आप लोग, इसको स्पष्ट कीजिए, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को इन्होंने टैग करके कहा है। तो देखिए यही सच्चाई है भाई कि अभी हम तक जो ये खबरें पहुंच रही थी कि बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि यह खबर थी, इसे माना जा रहा था कि हाँ सच में इसमें साफ तौर पर लिखा है कि नोटिफिकेशन रिलीज, यूपी टेट एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, इस तरीके से लिखा गया था कि अगस्त में ये चीज़ें कराई जाएंगी। और नोटिफिकेशन रिलीज खुद आधिकारिक वेबसाइट पे, जैसा कि ये खबर है या जैसा कि वायरल हो रहा है, कि खुद बेसिक शिक्षा विभाग के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया था, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया है जैसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरा ये जो ट्वीट है भाई, ये मैं रिसेंटली अभी लाइव ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने कि यूपी टेट परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी होने की गलत खबर इंडिया पोस्ट इंग्लिश नामक पोर्टल द्वारा जारी की गई है, यह सूचना सरासर गलत है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो देखो एक एक उम्मीद जगी थी, वो कहते हैं ना कि दिले उम्मीद तोड़ा है
किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, तो बिल्कुल वही बात हो गई यहाँ पे कि एक उम्मीद जगी थी कि चलो बच्चे कितने साल से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ की, कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और आखिरकार कि कब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी जो पिछले 5 साल पहले आई थी, तो इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि शायद कुछ संभावनाएँ हमें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी दिल टूट गया। जैसा भी कुछ और मज़ेदार ट्वीट अगर हम देख लेते हैं कि बच्चों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, तो आइए ज़रा इसको एक बार और देख लेते हैं कि बच्चों की प्रतिक्रियाएं आ रही है इस पर। जब ओके स्टूडेंट का अच्छे से काट रहा है आयोग, खुद भी ट्वीट करता है और बाद में सफाई देता है। ये प्रतिक्रिया अभिषेक यादव जी की, विवेक कुमार सिंह जी लिखते हैं कि आप एक जिम्मेदार भरी ट्वीट पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। भूतपूर्व में भी अपने से ही भ्रामिक ट्वीट किया था जो बिल्कुल गलत था। लाखों बच्चे एक प्राथमिक शिक्षा भर्ती की आस में पिछले 4.5 वर्षों से आप से हैं, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। सही बात है, चले कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो ये चीज़ें क्लियर हुई। हो सकता है कि इसे भी डिलीट करके शिक्षा विभाग के अधिकारी फिर से कहें कि नहीं, फिर से हम अब पता नहीं क्या खेल चल रहा है। बट कुछ और अगर हम मज़ेदार कमेंट्स देख लें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई सूचना देकर ट्वीट डिलीट किया गया है। खैर कोई बात नहीं, 24 में हिसाब होगा युवा विरोधी सरकार। तो डेफिनेटली बच्चे यहाँ पे सरकार के विपरीत भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बात यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं होना है, बात यहाँ पे किसी पार्टी या वार्टी के पक्ष में नहीं जाना है, बस ये है कि हाँ, मतलब जैसे ही सुबह ट्वीट सर्कुलेट हो रहा था, बच्चों को उम्मीद थी कि चलो अगस्त में यूपी टेट होगा, और बच्चे सीरियस थे, ये हम सच मान रहे थे। ये जब खबर रिलीज हुई ना, तो हम सारे बच्चे, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स ने, क्योंकि आधिकारिक ट्विटर से अगर ट्वीट किया जाता है तो बच्चे इसको यकीन करेंगे, और किस पर यकीन करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे निराश हैं, यहाँ पे सरकार के विपरीत भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बस ये बता दीजिए कि कितने ग्राम का ये ट्वीट देखिए, इनका कहना है कि बस ये बता दीजिए कितने ग्राम का सेवन किया था भाई, ऐसी ट्वीट नहीं करना चाहिए, बट प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे शिवम दुबे जी यहाँ पर लिखते हैं कि अरे कब जारी होगा जब साथ पढ़ने वाली सभी लड़कियों की। ओके, इस प्रकार से देखेंगे आप ये कमेंट यहाँ पे, जूता कहाँ है मेरा, सॉरी सस्ती वाली थी क्या। इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आप देख सकते हैं बच्चों की आ रही हैं, जो कि डेफिनेटली बच्चे निराश हैं। सबको मालूम है जब टेट सुपर टेट नई शिक्षा चयन आयोग से ही, ये बात तो सही है कि जब शिक्षक आयोग का चयन हो जाएगा, वो कार्य शुरू हो जाएगा उनका कार्यकाल, तभी ऐसी परीक्षाएं आनी है। और बच्चे ऐसे सवाल भी कर रहे थे कि जब अभी विभाग का गठन नहीं हुआ तो कैसे परीक्षाएं कराई। बट ओवरऑल बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, ये सूचना गलत थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों से, मैं आशा करता हूं कि आप इस सूचना से अब तो डेफिनेटली क्लियर हो चुका है। तो अभी सीटेट का एग्जाम्स है, हमें सीटेट का तैयारी करना है, और यूपी टेट की भी तैयारी तो चल ही रही है, फिर देखते हैं जैसी सूचना आती है आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप तैयारी जारी रखिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे सीटेट के एग्जाम्स के लिए। देखते हैं कि कब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही कोई सूचना आती है आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।